आज जो है मैं आपका रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप लोग का रिवीजन क्यों हो रहा है आप लोगों को पता है, क्योंकि आपका 22 से एग्जाम है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने के लिए हम लोग रिवीजन वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों को टाइम टेबल मिल चुका होगा व्हाट्सएप पे, साथ ही स्कूल से आप लोगों को असाइनमेंट लेना था आप लोगों ने ले लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है वो अभी भी आकर स्कूल से अपना असाइनमेंट ले सकते हैं और एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 22 तारीख से आप लोग की एग्जाम शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को एग्जाम देना जरूरी है। तो ये मैं रिवीजन वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि रिवीजन के अंदर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है चित्र जोई में पहलो वर्णन लिखो, यानी चित्र लिखकर आपको देखकर आपको पहला वर्ण जो है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर पतंग है तो पतंग का प, इस तरह से आपको चित्र दिए जाए गए होंगे और आपको क्या करना है उसको देख के उसका जो पहला वर्ण है वो आपको लिखना रहेगा। उसी तरह से सेकंड है बर्तुर मां की बे अनि त्रण अक्षर वाला शब्दों जुदा पाड़ो, जो कि आपका पेज नंबर 16 पे है यानी कि 16। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें दो अक्षर मैंने यहाँ पर अलग करके रखा है, जैसे अक्ष लिखा हुआ है अक्ष, ये दो अक्षर वाला शब्द है, और अ द द अ ड र, तो ये तीन अक्षर वाला शब्द है। तो दो अक्षर वाला और तीन अक्षर वाले शब्द को हमको अलग करना रहेगा। उसी तरह से आप तीसरा देखोगे ई अने ई नी मात्रा वाला शब्दों हाथी माती छूटा पाड़ी ने लगो, पेज नंबर 32 पे है। तो ई बड़ी और छोटी उसकी मात्रा के जो अक्षर है वो अलग कर कर हमको लिखना रहेगा, जो कि पेज नंबर 32 पर है। एलिफेंट के अंदर सारे अक्षर लिखे हैं और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आप लोगों को जो अक्षर है वो अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर मैंने गणित और ताड़ी ये अलग करके रखा है, गणित की जो मात्रा है वो इस तरफ है और ताड़ी में की मात्रा जो है इस तरफ है, तो उस तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा। फिर है ओढ़ो, जो कि आपके पेज नंबर 14 पे है। ओढ़ो के अंदर ये है कि आपको उसके अंदर फ्लावर्स यानी कि फूलों के नाम और ना फल दिए उसकी पिक्चर ड्रॉ की हुई है। आपको करना क्या है उस पिक्चर को देखकर उसका कलर नाम लिखना है। पहले आपको नाम लिखना है कि और फिर उसका कलर लिखना है। जैसे पहला ही जो है वो है सूर्यमुखी, तो सूरजमुखी लिखना है और उसका कलर कौन सा है येलो, तो पीड़ो, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना रहेगा। तो ये था मेरा रिवीजन वीडियो, आप लोगों को जो समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, असाइनमेंट को लर्न करें, लर्न करने के बाद अपने गुजराती की नोटबुक में लिखें, ताकि क्या है आप लोग अपने सेपरेटली में अच्छे से लिख पाए। ओके, तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पर